शारदीय नवरात्रि का आज सातवां दिन है। मेहर के मां शारदा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और पिछले दो सालों से नवरात्र से श्रद्धालुओं के लिए माता के पट बंद थे। इस नवरात्रि जैसे ही शारदा मां के पट दर्शनार्थियों के लिए खोले गए, माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ आ गई। मंदिर में पुजारी से हमारे संवाददाता आदिल खान ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है यहाँ पर पुजारी का। नवरात्रि का सप्तमी दिन है, लगातार श्रद्धालुओं को भीड़ में तांता लगा हुआ है। बता दिया अगर अभी तक जो पंचमी से सप्तमी तक के बीच में किया जाए तो प्रतिदिन 3 लाख के ऊपर मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पूरे देश के कोने कोने से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय हम गर्भगृह में मौजूद है, जहाँ पर जो पुजारी जी हम उनसे भी बात करेंगे कि अभी तक कितने लोग दर्शन करने माँ के दरबार में आ गए, क्या विशेषता है। महाराज इंडिया जी आपका स्वागत है, सप्तमी का दिन है, क्या ऐसा मुहूर्त है और माँ के दरबार में दर्शन करने की हाजिरी लगा रहे हैं। देखिए मैहर माँ शारदा मंदिर में तो सभी दिन सामान्य है, लेकिन नवरात्रि का जब पर्व आता है तो भक्तों के अंदर जो उत्साह आता है और नवरात्रि के पर्व में जो विशेषताएं हैं उसके चलते माँ के दरबार में लाखों की संख्या में दरबार में माँ शारदा के दर्शन करने भक्त जन आते हैं। और नवरात्रि में जो कोई अपने मन्नत को मान्यताओं को लेके आता है तो ये ऐसा देखा गया है कि माँ शारदा उसको जरूर पूर्ण करती है। और जहाँ तक भक्तों की संख्या की बात करें, अगर हम करें तो बैठकी से लेके अभी तक और विशेष तौर में पंचमी छठवीं और सप्तमी में 3 लाख से ऊपर माँ शारदा के दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं और अभी भी ताता लगातार लगा हुआ है माँ के दरबार में। और यहाँ पे भक्तों के अंदर जो कि कोरोना संक्रमण के दौरान माँ के दर्शन लोग नहीं कर पाए, नवरात्रि में बंद था, तो वो इस समय कर चुके हैं। और मैं सभी भक्तों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, तो अपना ख्याल करके ही माँ शारदा के दर्शन करने वो पधारे। ये रहे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जिन्होंने साफ कहा है कि कोरोना कोविड जो प्रोटोकॉल उसके तहत यहाँ पे दर्शन दर्शनार्थियों को करवाया जा रहा है और तमाम व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो नजारा है दर्शनार्थियों का है। और प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात किया जाए पुलिस प्रशासन की तो काफी चाक चौबंद व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए किया गया है। हमारे साथ है आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम पुलिस बल यहाँ पे लगी हुई है और सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए लगी हुई है कि दर्शन कैसे श्रद्धालुओं को कराना है इस पर विचार किया जा रहा है। इस समय सत्ता से माँ के दरबार से आदिल खान।